धमतरी जिलाला गौरवान्वित करैया एग्जैक्ट फाउंडेशन संस्था में दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम रखे गए रहिस। एग्जैक्ट फाउंडेशन वो संस्था आए जिहां के दिव्यांग लड़का मन गोल्ड मेडल जीत के जिला के नाम रोशन करत है और दो दिव्यांग नोनी मन माउंट एवरेस्ट फतह करके धमतरी के मान बढ़ा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ दिव्यांग जन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी जैन संस्था के एक दिव्यांग बेटी चंचल सोनी ला गोद लेहे वो पहुँचे रहे। मंच में धमतरी विधायक रंजना दीपेंद्र साहू, महापौर विजय देवांगन, जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर और भारी संख्या में शहरवासी मन रहिन उपस्थित। आज एग्जिट फाउंडेशन का दिवाली मिलन समारोह यहाँ रखा गया था। यहाँ विकलांग जो बच्चे हैं उनके मैडम लोग बहुत अच्छे ढंग से विगत कई वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं और मैं भी 2018 में चंचल सोनी जो एवरेस्ट में सबसे टॉप की है भारत में, उसको उसके नृत्य में भी सबसे टॉप उन्होंने किया है, मैं उससे प्रेरित होकर मैं उनको गोद में लिया था और लगातार मेरे से जो भी मेरे परिवार से जो भी बन पड़ सकता है मैं पूर्ण रूप से इस स्कूल को सहयोग भी करता हूँ और इन्हीं बच्चों के आशीर्वाद से मुझे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय रामगोपाल जी अग्रवाल ने यहाँ एग्जिट फाउंडेशन की आशीर्वाद से दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। ये इसी स्कूल की और इन्हीं बच्चों की मुझे आशीर्वाद है। मैं इन बच्चों के प्रति और यहाँ के जितने भी संस्थापक और संचालक हैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और दिवाली के इस मिलन की बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। जी, एग्जैक्ट फाउंडेशन के द्वारा दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था और हमारे जो बच्चे दीपावली के समय अपने घर नहीं जा पाए थे तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक साथ मिलकर हम लोगों ने दीपावली मिलन का कार्यक्रम किया है। मैं इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ ऊपर वाले से और हम सब ने मिलकर जो आने वाले हमारे जो भविष्य है ये बच्चे ये सब खुशी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही कामना हमने ऊपर वाले से की है। उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जिस तरीके से दिवाली मनाया जाता है गांव के परिवेश में उसकी पूरी तैयारी करके गोवर्धन पूजा की तैयारी की थी, तुलसी पूजा की तैयारी की हुई है तो वो बहुत ही देखने लायक थी और इसलिए देखने लायक बनती है क्योंकि ये बच्चे दिव्यांग हैं, स्पेशल हैं, जिनमें भगवान ने कुछ ना कुछ कमी दी है पर इस कार्यक्रम के माध्यम से और अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से ये हर बार साबित करते हैं कि जिनके पास भगवान ने जिन सारे गुण से नवाज कर भेजा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इनके पास में कला और के धनी है ये बच्चे। और लक्ष्मी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे आयोजन इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का संचालन किया और ये भी चाहूँगी कि निरंतरता इस कार्यक्रम में बनी रहे और मैं विशेष अपना सहयोग आज और हमेशा इस संस्था को देने का इनसे पहले भी वादा कर चुकी हूँ और आगे इस चीज़ को दोहराती हूँ और इनको धन्यवाद भी देती हूँ जो उन्होंने अपनी संस्था में मुझे संरक्षक के रूप में पदभार सौंपा उसके लिए।